स्टूडेंट वहां पे, और कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन के सम्स देखे थे, थ्योरम था और एक लीनियर कॉम्बिनेशन का सम था। सो थ्योरम में हमने ये देखा था कि एक मिनट, थ्योरम हमारा ये था, ए और बी जो है वो नॉन कोलिनियर था। हाँ, क्रैमर्स रूल से स्टार्ट करेंगे आज, और ये चैप्टर में ना स्टूडेंट मैंने देखा कल, ये चैप्टर में जो है 3D भी ऐड किया हुआ, जो मतलब 3D करके पहले जो चैप्टर था ना वो सेपरेट हुआ करता था, बट अभी यहाँ पे ना 3D और जो है वेक्टर वो मर्ज कर दिया, एक ही साथ में कर दिया गया है। सो इसमें देखो क्या दिया है, ए बार एंड बी बार, बी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, इसका मतलब हाँ बार एंड बी बार ये क्या है, नॉन कोलिनियर वेक्टर। सो नॉन कोलिनियर का मतलब क्या हुआ है कि सेम लाइन में नहीं होंगे और ना तो वो पैरेलल होंगे एक दूसरे के लिए, सेम लाइन में भी नहीं होंगे और पैरेलल होंगे एक दूसरे के। वेक्टर आर बार, वेक्टर आर बार इज कोप्लानर विथ ए बार एंड बी बार इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर मल्टीपल, मतलब क्या आएगा, T1 एंड T2। अच्छा ये मतलब क्या है ना, R bar जो है वो कोप्लानर होगा कब, जब यहाँ पे दोनों वेक्टर के साथ में स्केलर मल्टीपल आएगा, मतलब T1 A bar प्लस T2 B bar आएगा ऐसा। एक मिनट ना, सो पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे एक OA कंसीडर किया था A bar और एक OB कंसीडर किया था, OA था और OB था, ओ ए के लिए ए बार और ओ बी के लिए बी बार था, ठीक है। सो हमने यहाँ पे लिखा आर बार क्या है, कोप्लानर है, किससे, ए बार से और बी बार से, हमने पहले से ही कंसीडर किया यहाँ पे आर बार कोप्लानर है। देखो कि अगर आप लोग तो आर बार जो है और ए बार और ये बी बार तीनों भी एक ही प्लेन में है, सो दैट ये क्या है, कोप्लानर है। अब ये हमने क्यों कंसिडर किया, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि एग्जिस्ट होगा यूनिक स्केलर्स T1 एंड T2 such that R bar equals to T1 A bar plus T2 B bar। तो मैंने आप लोगों को बताया था कल, ये पूरा complete जो है O से A के लिए क्या है, A bar है, so O A equals to A bar, O B के लिए, O B के लिए पूरा क्या है यहाँ पे, B bar है, so O B bar, O B bar is equals to B bar, और resultant के लिए यहाँ पे O R bar equals to R bar था। अच्छा अब हमने यहाँ पे parallelogram पहले draw किया, यहाँ पे construction लिखा, पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमने लिखा, उसके बाद में जब लाइन यहाँ पे कोलिनियर है, जब लाइन अगर कोलिनियर होगा तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन आता है, जब लाइन अगर कोलिनियर है तो क्या आता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आता है। सो यहाँ पे टोटल जो है ओ ए क्या है, ए बार है, सो ओ एम जो होगा उसके लिए हमने T1 कंसिडर किया, तो ओ एम इक्वल्स टू T1 ए बार, वैसे ओ एन के लिए क्या आ जाएगा, T2 बी बार। फिर पैरेललोग्राम लॉ हमने यूज किया, ओ आर बार इक्वल्स टू ओ एम प्लस क्या होगा, एम आर हो जाएगा, ओ एम प्लस एम आर, ओ एम प्लस एम आर। सो हमें स्टूडेंट पता है ओ एम का वैल्यू जो है वो इक्वल होगा किसके, एन आर के, और एम आर का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, ओ एन के। सो हमें एम आर की जगह पे क्या लिखना होगा, ओ एन लिख देना होगा। सो मैंने ओ एम सॉरी एम आर की जगह पे क्या लिख दिया, ओ एन लिख दिया, ठीक है। ओ एम का वैल्यू T1 A बार है और ओ एन का वैल्यू क्या है, T2 B बार है। सो ये जो प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। इसके बाद में मैंने थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, ये आज आज पे हम लोग थोड़े सम्स बेस्ड, ये एक्स एक्सिस है और ये कौन है, जेड एक्सिस है, ठीक है। सो ए बी और यहाँ पे सी है, ए बी और सी है। अब उसके बाद
जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, कौन वाई और जेड कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएंगे। अगर बी एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, सॉरी वाई एक्सिस पे एक्स और जेड कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएंगे और जेड एक्सिस पे एक्स और वाई जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये देखो, ये जो प्लेन है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट है, तो इसमें मिडल वाला पार्ट जो है वो जेड कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। सेम यहाँ पे आर जो है, आर और जेड में है, आर कहाँ पे, वाई और जेड के लिए, सो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो जीरो आ जाएगा और एस वैसे ही एक्स और वाई के एक्सिस के बीच में है, सो यहाँ पे एस के लिए भी जेड कोऑर्डिनेट का जीरो और ये स्पेस में पॉइंट था क्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। अच्छा, लीनियर कॉम्बिनेशन का हमने एक सम सॉल्व करे थे कल, आर बार इक्वल्स टू ये हो गया था ए बार बी बार सी बार है, सो लीनियर कॉम्बिनेशन बोला गया है, तो आर बार इक्वल्स टू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस एक्स सी बार, आर बार का वैल्यू किया, ए बार पुट किया और सी बार सब्स्टिट्यूट किया, सब में आई का टर्म एक साथ, जे का टर्म एक साथ और के का टर्म एक साथ, अब दोनों साइड इक्वेट करो, तो I का टर्म निकल लोगा I के साथ, K का किसके साथ, J के साथ, K के लिए किसके साथ, K के, सो I का टर्म, J का टर्म और K का टर्म, ये सब मिल गया। अब इसमें बताया था आप लोगों को कि क्रैमर रूल, उसके पहले आप लोगों को कुछ डाउट है क्या ये चैप्टर में, हमने ये चैप्टर काफी इम्पोर्टेंट है और ये मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। अच्छा, दो जो रूल्स है, जो क्रैमर रूल से सॉल्व करना है उसके लिए देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रैमर रूल से सॉल्व जो करना है इक्वेशन, ये 2, 2, 3 है, एक बार मैं लिख लेता हूं इक्वेशन, 2x, ज्योमेट्री में रिपीट करता हूं, 2x प्लस 2y प्लस, रिपीट करता हूं मैं वो, प्लस 3z इक्वल्स टू माइनस 1, एक मिनट, x माइनस y प्लस z इज इक्वल्स टू माइनस 4x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल्स टू 4, सो हमें r बार को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन एक्सप्रेस करना था स्टूडेंट, तो पहले ना हम लोग इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। क्रैमर रूल से अगर आप लोगों को याद होगा मेथड, क्रैमर रूल्स के लिए, एक मिनट, बराबर बाय क्रैमर्स रूल, तो क्रैमर्स रूल के लिए क्या हो जाएगा, पहले हम ना यहाँ पे डी का वैल्यू लिखते हैं, डी के लिए देखो क्या क्या यहाँ पे नंबर से, डी में कौन कौन से नंबर आते हैं, स्टार्टिंग में एक्स का कोएफिशिएंट होता है, बाद में वाई का कोएफिशिएंट और लास्ट में जेड का कोएफिशिएंट होता है, ऐसे होता है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे, y का कोएफिशिएंट यहाँ पे, z का कोएफिशिएंट यहाँ पे, ठीक है। तो x के लिए क्या क्या नंबर है, 2 है, 1 है, माइनस 4 है, 2, 1, माइनस 4, सो यहाँ पे 2, 1, माइनस 4। y के लिए 2, माइनस 1, प्लस 3, 2, माइनस 1, प्लस 3। z के लिए 3, 1, माइनस 2, 3, 1, माइनस 2। अच्छा, अब इसको ब्रैकेट ओपन करो, मतलब डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, तो फर्स्ट जो नंबर है वो 2 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू माइनस 1 क्या होगा, प्लस 2, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3, और मिडल में साइन क्या आएगा, माइनस, ये प्लस 2 है स्टूडेंट, तो इसको क्या लिखोगे, माइनस 2, ये माइनस 2, अच्छा माइनस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, माइनस 2,
माइनस फोर और वन कितना होगा, माइनस फोर और माइनस आता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा प्लस फोर। लास्ट जो नंबर है वो प्लस थ्री है, तो प्लस थ्री, थ्री इंटू वन क्या हो जाएगा थ्री, और माइनस फोर इंटू माइनस वन प्लस फोर, और एक माइनस आता है, सो माइनस फोर। तो यहाँ पे माइनस वन इंटू टू कितना हो जाएगा माइनस टू, माइनस माइनस टू प्लस फोर प्लस टू, प्लस टू इंटू माइनस टू क्या होगा माइनस फोर, यहाँ पे माइनस वन और ये क्या होगा माइनस ऑफ थ्री, ये माइनस ऑफ नाइन आ जाएगा, ठीक है माइनस ऑफ नाइन। अच्छा आप डिटरमिनेंट ऑफ एक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, डिटरमिनेंट ऑफ एक्स के लिए यहाँ पे जो एक्स होता है ना जिसका डिटरमिनेंट होता है, जिसका भी डिटरमिनेंट होगा ना उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो नहीं लिखते हैं, उसकी जगह पे जो है हम कांस्टेंट टर्म लिखते हैं। सो ये किसका डिटरमिनेंट है, एक्स का। सो एक्स का कोएफिशिएंट नहीं लिखना है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लिखना है। कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस वन माइनस थ्री फोर, यहाँ पे माइनस वन माइनस थ्री और फोर, बाकी मैं वैसे लिख रहा हूँ y का जो है वैसे ही टू माइनस वन थ्री, और यहाँ पे क्या है थ्री वन माइनस टू, ठीक है इसको भी वैसे ही सॉल्व कर देना है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, माइनस वन पहले आ जाएगा, फिर ये प्लस टू हो जाएगा, थ्री इंटू वन क्या होगा थ्री में माइनस, माइनस टू इंटू माइनस थ्री क्या होगा प्लस सिक्स, फोर इंटू वन क्या हो जाएगा फोर, लास्ट में यहाँ पे प्लस थ्री इंटू माइनस थ्री क्या होगा माइनस नाइन, और ये कितना हो जाएगा प्लस फोर, माइनस वन और माइनस वन प्लस वन बन जाएगा, सिक्स में से फोर माइनस करोगे तो टू होगा और टू इंटू टू क्या होगा फोर, यहाँ पे माइनस फाइव और तो ये माइनस ऑफ कितना आ जाएगा एटीन, देख रहे हो नाइन के टेबल में आ रहे हैं नाइन और माइनस एटीन, सी वाई निकालो, dy निकालेंगे फिर उसके बाद में dz निकाल देंगे। अच्छा उसके बाद x का टर्म जो होगा उसको क्या लिखोगे dx अपॉन d, ये फॉर्मूला था लास्ट ईयर प्राइमर्स रूल है, डिटरमिनेंट ऑफ x अपॉन d, y के लिए क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ y अपॉन d, और z के लिए क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ z अपॉन d। सो अगर x का टर्म देखोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ एक्स क्या मिला माइनस एटीन, और डिटरमिनेंट क्या है माइनस नाइन, सो माइनस एटीन को माइनस नाइन से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा टू। अच्छा हमें लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस करना था, सो आर बार इक्वल्स टू एक्स ए बार था प्लस वाई बी बार था प्लस जेड सी बार था। सो हमने एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया जो कि कितना मिला था टू। हाँ बोलो सर, डी डी वाई भी करके करके दिखाओ, डी बाई डी डी वाई बी करके दिखाओ ना, डी वाई डी करके। अच्छा रुक, सो एक मिनट पहले रुक, एक्स का जो वैल्यू है वो क्या आ गया टू आ गया, तो टू ए बार, वैसे ही वाई का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और जेड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी का वैल्यू निकालना है, तो अब वाई के प्लेस पे कॉन्स्टेंट टर्म लिखो, y कौन है y के लिए 2 माइनस वन थ्री था, अब इसकी जगह पे कॉन्स्टेंट टर्म लिखोगे माइनस वन माइनस थ्री और फोर, सो माइनस वन माइनस थ्री और फोर, माइनस वन और माइनस थ्री और माइनस फोर, x के प्लेस पे x का टर्म वैसे ही x की जगह पे 2 वन माइनस फोर, यहाँ पे क्या है थ्री वन माइनस टू, देखो यहाँ पे x का टर्म चेंज हुआ, यहाँ पे y का, लास्ट में z के लिए होता है, मैं z वाला भी लिख देता हूँ फिर सॉल्व कर देता हूँ, z के लिए यहाँ पे पहले थ्री वन माइनस टू था, अब क्या आएगा माइनस वन माइनस थ्री फोर, माइनस वन माइनस थ्री और फोर, x और y सेम करेंगे तो x के लिए क्या था टू वन माइनस फोर, टू वन माइनस फोर, और y के लिए टू माइनस वन और थ्री। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टू वैसे ही रहेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा सिक्स, फोर इंटू वन क्या हो जाएगा फोर माइनस, अच्छा ये माइनस वन है तो इसको क्या लिखोगे प्लस वन, माइनस टू इंटू वन क्या हो जाएगा माइनस टू,
और माइनस फोर इंटू वन क्या हो जाएगा प्लस फोर, लास्ट के लिए प्लस थ्री, प्लस थ्री है यहाँ पे तो फोर इंटू वन क्या हो जाएगा फोर, और ये दोनों माइनस में है तो प्लस आ जाएगा, बट एक और माइनस आता है तो ये माइनस में आ जाएगा। सो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा टू, और ये देखो ब्रैकेट के अंदर जो है वो टू आ जाएगा, टू इंटू टू क्या हो जाएगा फोर, और ये माइनस टू प्लस फोर कितना हो जाएगा प्लस टू, लास्ट में माइनस एट, माइनस एट इंटू थ्री क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ट्वेंटी फोर, तो सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर क्या हो जाएगा ये माइनस ऑफ एटीन, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डीवाई है डीवाई भी क्या मिला माइनस ऑफ एटीन, माइनस एटीन और डी के लिए जो है वो माइनस नाइन, तो ये भी क्या आ गया टू, तो यहाँ पे टू बी, और Z के लिए भी वैसे ही कैलकुलेट कर दो अभी बचा तो लिख ले टू, और ये क्या हो जाएगा फोर, और ये प्लस नाइन माइनस टू फोर प्लस माइनस ट्वेल्व माइनस थ्री आ रहा है माइनस वन इंटू थ्री प्लस माइनस, तो फाइव प्लस होगा फाइव इंटू टू कितना हो जाएगा टेन, माइनस टू इंटू माइनस एट हो जाएगा। ट्वेंटी सेवन आ रहा है बराबर, तो ट्वेंटी सेवन अपॉन माइनस नाइन, तो ये माइनस ऑफ थ्री आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे माइनस थ्री सी बार, तो ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। क्रैमर्स रूल एक बार देखो, इसमें सो आगे यहाँ पे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जो कल हम अरे वो अभी यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, सो ऐसे भी लिख सकते हो, अभी यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया था इसलिए ये माइनस, बट मीनिंग तो से ये बीच में पहले प्लस लिख दिया था ना इसलिए यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। वैसे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री 3D में कल हम लोग वो जो डायग्राम देखे थे स्टूडेंट, एक मिनट देना,
सो ये क्यूब के लिए स्टूडेंट यहाँ पे ये जो हमने कल डिस्कस किया था यहाँ पे वर्टेक्सिस के बारे में, इसके कोऑर्डिनेट सेगमेंट मैं लिख लेता हूँ फिर हो जाएगा। ये हमारा z एक्सिस है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है। उसके बाद में ये पॉइंट हमारा O है, A, B और C है। M, N, O, P और यहाँ पे Q है, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो पॉइंट P है, A अगर है तो यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वे ये x एक्सिस पे है, सो इसका x 0 0, y के लिए जो है ये 0 y 0, z के जो है यहाँ पे 0 0 z हो जाएगा। यहाँ पे ये x z कोऑर्डिनेट में है, सो x कोऑर्डिनेट होगा 0 और ये क्या हो जाएगा z। m के लिए 0 y और z हो जाएगा। So, उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे पॉइंट पी का जो डिस्टेंस, पॉइंट पी जो है वो स्पेस में है, पॉइंट पी जो है वो स्पेस में है। अब यहां पे लिखते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट्स ऑफ, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा ये हमने यहाँ पे हेडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, एक्स है, वाई है और जेड है। सो इस पे पॉइंट्स ऑन एक्सिस पे जो पॉइंट है वो क्या है, ए है, ए का कोऑर्डिनेट एक्स 0 0 और वाई के लिए बी है 0 वाई 0 और जेड के लिए सी है 0 0 जेड। सो यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पॉइंट लिख दिया, उस स्पेस होते हैं, मतलब ये वाला जो है पार्ट, फिर यहाँ पे ये पार्ट हो गया और ये पार्ट हो गया, ये सब कोऑर्डिनेट प्लेन होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया ऑन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन्स। कोऑर्डिनेट प्लेन्स मतलब तीन प्लेन होंगे यहाँ पे, एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन क्या क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन यहाँ पे, कोऑर्डिनेट प्लेन्स यहाँ पे एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन पे कौन सा, एक्स वाई प्लेन में ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्यू है सिर्फ। सो यहाँ पे क्या लिखता हूं मैं, क्यू जिसका एक्स वाई और जीरो, देखो कि वो y और z जिसका प्लेन होगा उसका ही कोऑर्डिनेट भी होगा। जैसे एक्स वाई प्लेन है तो x और y का कोऑर्डिनेट होगा, वाई जेड प्लेन है तो y और z कोऑर्डिनेट होगा, लास्ट वन है एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन के लिए हमें यहाँ पे n है, तो n का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x 0 और z। कल हमने सिर्फ ये डिस्कस किया था, आज मैं इससे रिलेटेड सम्स भी और इसके बाद में ये जो मतलब पॉइंट्स वगैरह मैं अच्छे से लिखा के दे दे रहा हूं। अच्छा अब ये देखो जो पॉइंट पी है वो कहां पे, स्पेस में है। जो पॉइंट पी है वो कहां पे, स्पेस है,
एक्स वाई जेड प्लेन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एक्स वाई जेड प्लेन में कौन है, क्योंकि जो प्लेन होगा उसका ही कोऑर्डिनेट होता है, तो एक्स वाई जेड प्लेन में कौन है, पी है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई और जेड है, ठीक है। सो इसके बाद में अगर पॉइंट लिखोगे, बताओ पॉइंट पी का एक्स वाई, मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है प्लेन से एक्स वाई प्लेन से, सो आप लोग पहले ये देखो एक्स वाई प्लेन है कहां पे, एक्स वाई प्लेन ये है ना, तो इसका डिस्टेंस हमें एक्स वाई प्लेन से चाहिए, तो एक्स वाई प्लेन से देखो पी के साइड में कौन सा लाइन जा रहा है, प्लेन से ये प्लेन से एक्स वाई प्लेन से, एक्स वाई प्लेन से पी के लिए कौन सा जो अगर डिस्टेंस मेजर करना है, सो हम लोग ये वाली लाइन कंसिडर करेंगे, ये वाली लाइन, अच्छा ये लाइन जो है पी के ना, और किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है, देखो गए अभी यहाँ पे एक्स वाई प्लेन के लिए स्टूडेंट क्वेश्चन क्या दिया है, डिस्टेंस पॉइंट पी का निकालना है, सब एक्स वाई जेड प्लेन से हमें निकालना है, सब मतलब तीनों प्लेन से हमें इसका डिस्टेंस निकालना है, तो एक्स वाई प्लेन से, एक्स और वाई प्लेन से जो होगा वो हाइट होगा, डिस्टेंस पी एक्स वाई जेड फ्रॉम कोऑर्डिनेट प्लेन, फ्रॉम कोऑर्डिनेट प्लेन, सो कैलकुलेट कर रहे हैं पॉइंट पी का फ्रॉम कोऑर्डिनेट प्लेन से, तो फर्स्ट में लिखता हूं मैं डिस्टेंस ऑफ पी, और इसका नोटबुक बना लेना लोग, ये और आपके पास में अगर मतलब आप लोगों के पास में वो प्रॉपर होगा तो, नहीं तो कैसे कहीं पीडीएफ वगैरह में बार बार मोबाइल ओपन करके नहीं होता है जो लोग, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, और क्लासेस ओपन होने के बाद मैं चेक भी करूंगा ये जितने भी चैप्टर्स अपने हुए रहेंगे। अरे वाह बहुत अच्छी बात है, साथ में लिखोगे तो और अच्छी बात है, डिस्टेंस ऑफ अ पी फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, डिस्टेंस का क्या क्यों था, डिस्टेंस कभी ये देख रहे हो यहां से लेके क्यू से लेके पी का जो डिस्टेंस है ये हाइट पे है, और ये जो है हाइट मतलब इसके इक्वल होगा जेड एक्सिस के, सो यहाँ पे जेड, और शॉर्टकट क्या है ना, जब एक्स वाई प्लेन होगा तो बाकी कौन बचा है, जेड, तो उसका हाइट जो होगा वो जेड हो जाएगा, वाजेड प्लेन। अच्छा डायग्राम देख के बताओ आप लोग, डिस्टेंस क्या होगा पी का वाइजेड प्लेन से, डिस्टेंस क्या होगा पी का वाइजेड प्लेन से, एक्स हो जाएगा, करेक्ट है, बराबर है, पी एम हो जाएगा। ये देखो ये हमारा जो वाइजेड प्लेन है ना,
YZ plane डिस्टेंस होगा ये P से लेके M तक हो जाएगा, YZ plane में M है, तो M से लेके P का डिस्टेंस ये जैसे एसेट साइड डायरेक्शन में जा रहा है, और ये डायरेक्शन मतलब ये जो लेंथ होगा वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, क्योंकि क्यूब में अगर ये देखोगे अगर थ्री डायमेंशनल में तो ये अपर फेस है, यहाँ पे ये लोअर है, ये दोनों साइड साइड के फेस है, और इसके बाद में ये जो ये पार्ट है हमारा किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, तो पी एम किसके इक्वल होगा, इसके, तो लेंथ ऑफ पी एम इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, तो डिस्टेंस ऑफ distance of P from xz plane, xz plane देखो क्या हो जाएगा, क्योंकि कैसा हो जाएगा, xz plane यहाँ पे n n n से लेके का distance, अच्छा ये देख रहे हो ये straight line, इसका length किसके equal होगा, इसके equal हो जाएगा, so np equals to या pn equals to क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, तो जो प्लेन होगा ना उसके अपोजिट वाला डिस्टेंस होगा, जैसे एक्स वाई प्लेन है तो जेड डिस्टेंस होगा, इस पे सम्स भी है, एक सम अभी मैं करूंगा इस पे बेस्ड है, जेड हो गया, जेड जेड आ गया, जेड है तो कौन आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, कौन आ जाएगा, वाई, इसके बाद में अगर हमें ये पूछा जाएगा कि डिस्टेंस निकालो पॉइंट कोई भी पॉइंट का ओरिजिन से, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन, तो अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से P का डिस्टेंस अगर ओरिजिन से अगर हम कैलकुलेट करना है, P का डिस्टेंस ओरिजिन से अगर कैलकुलेट करना है, सो हम यहाँ पे ना एक काम करते हैं, या तो आप लोग ना कैसे कर सकते हो, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, जब इमेजिनरी करें, अच्छा OP का जब डिस्टेंस निकालना है स्टूडेंट, यहाँ पे किसका, ओपी का, ओपी का जब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा उसके लिए क्या करो, या तो दोनों को ज्वाइन कर दो, एक मिनट, हाँ अगर समझ लो ये कुछ ऐसा डायग्राम है, ये अभी इतना प्रॉपर नहीं बनता है बिकॉज यहाँ पे अब देखो ओपी का जो डिस्टेंस है अगर वो हमें निकालना है, तो अगर हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया ओ से पी के लिए, यहां से ओ से पी के लिए, क्योंकि हमें किसका डिस्टेंस चाहिए, ओपी का डिस्टेंस चाहिए, सो ओपी के डिस्टेंस के लिए हमने यहाँ पे OP के लिए हमने O से P को ज्वाइन किया, इसके बाद में अब यहां पे समझ लो अगर डायरेक्ट अगर आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला देखोगे तो क्या हो जाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला जो है P का जो कोऑर्डिनेट था वो क्या था, X Y और Z था, और उसके बाद में ओरिजिन के लिए जो था वो 0 0 0 था, श्वेता क्या हो गया, सो ओपी फॉर्मूला क्या, एक्स टू माइनस एक्स वन, देखो यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट एक्स टू माइनस एक्स वन द होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन द होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन द होल स्क्वायर, आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है लास्ट ईयर में, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, दोनों x कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर प्लस दोनों y कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर प्लस दोनों z कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर, इसमें हम लोग x1 y1 z1 इसको कंसीडर कर लेते हैं,
और इसको x2 y2 z2 कंसीडर कर लेते हैं, x2 y2 और z2। तो अब माइनस करते हैं, तो x2 माइनस x1 है, x माइनस जीरो का स्क्वायर हो जाएगा,